यूपी में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने दूसरी बार अपने कैबिनेट का विस्तार किया। इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया। वहीं योगी के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जमकर बरसे और आड़े हाथों लेते हुए कहा। बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े समुदाय से आते हैं। वहीं बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करें तो वो भी पिछड़े समुदाय से ही हैं, लेकिन बावजूद इसके जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी गई। अब ऐसे में इनके मंत्री किस मुंह से दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे। दरअसल जौनपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कार्यकर्ताओं के साथ हो रही बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने योगी सरकार के सभी दलित नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, सरकार में होते हुए भी लोग पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी भले ही इन जाति के लोगों को मंत्री बना रही है, लेकिन 2022 के चुनाव में पिछड़ी जाति के लोग इन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे। वहीं दूसरी ओर अजय कुमार लल्लू ने प्रतापगढ़ में सांसद संगम गुप्ता की पिटाई के मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी का बचाव किया। अजय कुमार लल्लू ने मामले में कहा कि घटनास्थल से ये दोनों लोग काफी दूर थे, लेकिन बीजेपी नफरत भरी राजनीति कर रही है और इसी के तहत बीजेपी ने प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कांग्रेस पार्टी प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है और इसके लिए वो सरकार का मुकाबला भी करेगी। चुनाव नजदीक है, ऐसे में पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर चुनावी हमला करना लाजमी है, लेकिन अब बीजेपी अजय कुमार लल्लू के इस बयान पर क्या पलटवार करती है ये देखना होगा।